किसी से ब्याह उसको कुछ आका नहीं से ज्यादा आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और ये हमारा दूसरा है गिफ्ट, ये भी आप देख सकते हैं क्रियांश के बर्थडे के लिए ही था, ये भी क्रियांश के बर्थडे के लिए ही है। ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है क्रियांश। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी हम जाने वाले हैं अभी पूर्णिया, वहां से जाकर के जो है कुछ खरीदारी करनी है। क्रियान सब सो चुका है तो फिलहाल हमें मौका मिल गया है वहां चलने का, तो चलते हैं। तो सा जरूरत नहीं है ना कुछ और भी वहां पर लाने का? ठीक है तब अपना ड्रेस देखो तुम, चलते हैं। और उधर माँ अपना खाना खा रही है, चाबी हम ले ले गाड़ी का, थोड़ा गाड़ी का चाबी इसमें रहता था, नहीं इसमें नहीं है, उधर है बाइक का चाबी। ये कैप ले लेते हैं, बहुत गर्मी होगी, बहुत धूप। वाह बहुत बढ़िया, इसमें तुम डूब जाएगी अच्छे से। बहुत हैवी। तो फाइनली हमारा भी तो छोक के उठ गया, मम्मी भी थोड़ा से शुरू नहीं किया उसके पास। जय करो सबको, जय करिए सबको। इधर इधर देख रहा है कि इधर मंदिर है जो बोल रही है जय करने, इधर बोलिए जय 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 करिए, जय जय करिए करो। सोच विचार में करे या ना करे। क्या जय क्रियान, जय जय माता दी, राधे राधे कर दो सबको, कर दो ना। तो क्रियांश का बर्थडे आ रहा है, है क्रियांश, क्रियांश को सबको बहुत सारा आशीर्वाद दे, सबको जय करोगे तभी देंगे, वैसे कोई नहीं देगा तुमको आशीर्वाद, समझे? अच्छा सब दे दीजिएगा आशीर्वाद, सब दे दीजिएगा करेगा। जय कर दिया, कर दिया जय। तो क्रियान चला गया है अभी नीचे, चलते हैं। क्या दादी का फोन ले लियो तुम? हाँ बड़ा वाला फोन दिया तो उसको वहाँ रख दिया, नहीं चाहिए बड़ा वाला, यही वाला चाहिए। आज आपका सब कुछ देखिए सत्यानाश कर देगा, इसी फोन के लाला तू यहाँ बैठा हुआ है। चलिए कोनो बहाने तो बैठा होगा पोता, ये तो दौड़ाते रहता है सब, फोन का बहुत लाला है, फोन को खराब करेगा तो पता चला कि नहीं तुमको, समझे? सुन रहे हो क्या बोल रही है दादी? फोन खराब मार दिया ले, फोन लेके मार दिया, देख ले तुम। अरे ककरा फोन लगी, किसको लगाया फोन तुमने? फोन लेके सबको फोन लगा देता है, उसमें जो तुमको कुशलता जो तुम डाने पूछता है उसको तुम फोन लगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्रियांश अभी ऐसे लोगों को फोन लगाया हाल तक नहीं पूछता है, उसको भी फोन इस बार का समाचार लेता है। उसको भी क्रियांश फोन लगा दिया है, सब सोचेगा तुम्हारी दादी कॉल की है, लेकिन कॉल तो तुमने किया क्रियांश, हाँ कॉल तो तुमने किया ना पक्का, जय जय कर दिया, सुन रहे जय जय कर दिया, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। हेलो काका, काका ऐसे दादी फोन करेगी अब। हेलो अरे फोन तो दादी के पास फोन है, समझता है क्या? यहाँ सोच रहा है रिमोट है जिससे टीवी चलेगा मेरा, कुटुर कुटुर ऐसे से करता है, खराब करके दम लेगा, सो दो किसको फोन लगा देगा, नहीं लगा देगा समझ में नहीं आता, फोन लगाएगा माँ जी को लगा दिया, अलार्म अलार्म सेट कर रहा था, किस चीज के लिए, कहाँ जाना है आप, कराओ के दिखाता है दादी को, पोटता है कराओ के दिखाता है दादी खुश हो जाएगी। हमारा एक पार्सल आया, एक पार्सल और आया हुआ अभी, तो सबसे पहले ये जो है इसको अनबॉक्सिंग करते हैं फिर इसको करेंगे। इसमें है ग्लास, ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है क्रियांश, और दो प्यारा सा स्पून है, एक फॉर्क है, और इस पे भी क्रियांश लिखा हुआ है, क्रियांश क्रियांश। एक छोटा सा हैंकी है, इस पे भी क्रियांश लिखा हुआ है, और एक प्यारा सा थाली है जिस पे भी क्रियांश लिखा हुआ है। और ये हमारा दूसरा है गिफ्ट, हमको लगता है ये क्रियांश के बर्थडे के लिए ही है, ये भी आप देख सकते हैं क्रियांश के बर्थडे के लिए ही था, ये भी क्रियांश के बर्थडे के लिए ही है, जिसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाक से।
समझ आया क्या है ये। लिखा हुआ क्रियांश चम्मच में भी दोनों लिखा हुआ क्रियांश बड़ा सा थाली में क्रियांश लेकिन इतना बड़ा थाली में क्रियांश कैसे खाओगे तुम? सारा सामान कैसे खाओगे भैया? सलाद पापड़ क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। आका नहीं फूल बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच क्रियांश को आप लोग इतना प्यार देते हैं, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप लोग ऐसे क्रियांश को प्यार दीजिए यही काफी है। क्रियांश से ज्यादा आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्रियांश कर लो, जय जय कर लो, सबको कर लो, जय क्रियांश तो अपने में मस्त है। तो गेट को बंद कर दिया जाए, मोनू गए हैं सबको कार्ड देने के लिए। प्रियांश यहाँ पे टीवी देख रहा है और पापा को कर रहा है परेशान। इसको हम ले आएंगे, देखो इससे अच्छा है कि परेशान करने से। टीवी तो बंद है। एक के जी पाव गोल पाव पाव का ले लिखो ना गोल पाव पाव लिखा मिनी मोजिटो तीन पीस टीवी क्रश। One hour later प्रियांश क्या कर रहे हो भैया? ये डेली नीचे खेलता है और पूरा कपड़ा गंदा कर लेता है, फिर हम लोग शाम में इसको कपड़ा खोल के थोड़ा बहुत स्नान करवा देते हैं, फिर नया कपड़ा पहन लेता है। क्रियांश क्रियांश क्या कर रहे हो क्या? पूर्णिया से जी दूध का इंतजाम हो गया और अब जो है दही का इंतजाम कर रहे हैं और साथ में मिठाई का इंतजाम कर रहे हैं, तो आज है श्याम वाटिका, तो चलते हैं। तो यहाँ जी रसगुल्ले की बात हो गई है और दही के लिए भी बात हो गई है, तो भैया को एडवांस पे कर दिया है और कह रहे हैं क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं आएगा। अब हम लोग आ गए हैं जी दूसरे शॉप पर जहाँ से हम सभी को बाकी सारा सामान सब ऑर्डर करना है, जैसे कि मोजिटो का सारा आइटम, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का सारा आइटम और उसके बाद जितना भी मसाला है और मेयोनीज है, राजा ने दिखाया बहुत सारा लिस्ट है। तो साथ में जी हमारा दोस्त आ गया विषय कि जिसको पूरा अच्छे से आइडिया है इन सब चीज़ों का, तो वहाँ साथ में आ गया, बहुत मदद मिल रही है उसकी वजह से, उसको सब कुछ का रेट मालूम है, क्वालिटी मालूम है, तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ किया जा रहा है, सावधानी से किया जा रहा है और देखते हैं कैसा व्यवस्था रहता है। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा हो। थोड़ा सा जो है हार्ट बीट चालू है क्योंकि अपने से पहली बार कोई भी फंक्शन जो है अपने ऊपर लिए हुए हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। तो धन्यवाद हमारे दोस्त अभिषेक का जो हमारे साथ है। एक बेबी कॉर्न लिखे क्या? बेबी कॉर्न लिखे, लेकिन ध्यान रखिएगा बेबी कॉर्न में जो है फ्रोजन नहीं दीजिएगा, पैकेट वाला जो आता है जैसे इस तरह का होता है ना कीरा अजवाइन, एक बार हमको दिखा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, पैकेट में जो आता था इस तरह का पैकेट में जो आता है वो दिखाइए। एक्चुअली क्या होता है उसका जो क्रंच होता है ना, क्रंच नहीं हो पाता, जो क्रिस्पी क्रिस्पी होता है वो नहीं होता। वहाँ पर जी हमारा काम हो गया और अभी आ गए हम लोग बेकरी के फैक्ट्री में, यहाँ से बेकरी का कुछ आइटम है उसको देखना है और उसका एडवांस पेमेंट करके इसको भी बुक कर लेंगे उस दिनों के लिए, तो चलते हैं सीधा अंदर। अच्छा भैया एक टेस्ट करा रहे हैं हम लोगों को जी, कोई एक दीजिएगा, दो नहीं एक दीजिए काफी। The next day. जन्मदिन की जी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, बस खाली कुछ चीज बचा हुआ है, राशन पानी सब, उसके लिए भी देखना है। और ये देखिए जब भी हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे क्रियांश पहले पहले बोलने लगता है। जब हाँ। मेरे घर में कोई ओकेजन रहता है हाँ। तो हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी तरह पार लग जाए, इतना प्रेशर हम पर बना हुआ रहता है, मेरा दिमाग लगता है सॉल्व हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जो ऐसा कोई काम नहीं है जो पड़ा रहता है, भगवान पर भरोसा रखिए और इतना लोगों का दुआ और सब शुभकामना साथ निश्चित है। बिल्कुल जी 1200 आदमी के करीब आने का चांसेस है वहाँ पर, अच्छा खासा इंतजाम होने वाला है, तो प्रेशर तो थोड़ा रहता ही है। और धन्यवाद हमारे दोस्त अभिषेक का जो हमारे साथ है और वह बहुत कोऑपरेट कर रहा है, अगर मेरे ऊपर यहाँ सब कुछ रहता तो मैं तो नहीं कर पाता थी, जाहिर सी बात है, लेकिन वह था जिसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है। तो आप ऐसा करते लग रहा था कैसे ये सब कुछ अकेले मैनेज करेंगे, लेकिन उनकी वजह से सब कुछ मैनेज हो गया, हमको लग रहा है कितना आसान है, लेकिन जब ये लोग कर रहे हैं तो पता चल रहा है कितना बिल्कुल बहुत मुश्किल है एक आयोजन करना। तो आप ऐसा करते हैं जी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें।
साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे। एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।